हम सभी के घर गणपति जी आने वाले हैं और कुछ धमाकेदार ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबसे ज्यादा खास मोस्ट पॉपुलर चूरमा मोदक लड्डू, यानी चूरमा लड्डू। सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट चूरमा लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरी गारंटी है आपके चूरमा लड्डू एकदम दानेदार, मुंह में घुल जाने जैसे सबसे बेस्ट आपके चूरमा लड्डू तैयार होंगे। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट चूरमा लड्डू मोदक। आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बड़े बर्तन में सबसे पहले हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, हल्का सा मोटा वाला आटा हो तो और भी बढ़िया। मेजरमेंट के लिए कोई भी घर का कप या कटोरी सेट कर लीजिए और पूरा मेजरमेंट आप उसी अनुसार करें, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और इसमें अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच फाइन वाली सूजी, अगर आपके पास नॉर्मल वाली सूजी हो ना तो भी कोई परेशानी नहीं, मिक्सी में डालकर उसको थोड़ा फाइन कर लीजिए, तो इस चम्मच से 2 बड़े चम्मच। और अब इसमें नेक्स्ट जाएगा इसी चम्मच से 3 बड़े चम्मच घी, तो जो घी यहाँ पर आप लेना उसको पहले पिघला लें, थोड़ा गर्म कर लें, उसके बाद आप डालें और अच्छी तरीके से घी के साथ सभी चीजों को करेंगे मिक्स। चूरमा लड्डू में जो सबसे जरूरी चीज है उसका माप यानी मेजरमेंट, वो परफेक्ट रहेगा तो जो आपके लड्डू हैं वो बहुत ही ज्यादा रसीले, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब जो इसमें हमने घी डाला है वो डिपेंड करेगा आपके आटे पर, अगर ज्यादा मोटा आटा आपने लिया है तो थोड़ा ज्यादा घी लग सकता है, उस हिसाब से आप उसमें घी डालें। अब आप एक मुट्ठी बना के देखिए, तो देखिए ये बन रहा है, ये आटा बिखर नहीं रहा है, इस तरह से देखिए बन रहा है ना, यानी हमारा जो मोइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ना बंधे तो थोड़ा सा घी की मात्रा आप और बढ़ा लें। अब आप लीजिए हल्का गर्म पानी, हल्के गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसका एकदम सख्त आटा लगाएंगे और इस तरह से हम बिल्कुल सख्त आटा लड्डू के लिए लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सख्त इस तरह से आपको आटा लगाना है और थोड़ा सा घी का हाथ लगा करके 5 मिनट आटे को हम रखेंगे रेस्ट पर, जिससे ये सेट हो जाए। 5 मिनट बाद हम आटे को चेक करेंगे, परफेक्टली सेट हमारा आटा हो गया है। अब आप इसमें से तोड़िए एक नींबू के साइज की बॉल बिल्कुल ऐसे और हाथ से दबाते हुए उसको आप एक सार कर लीजिए। हमें इसकी बनानी होंगी मुठिया, जो चूरमा लड्डू होते हैं ना उसकी खासियत यही होती है कि वो मुठिया बना करके बनाए जाते हैं, ऐसे ओबलोंग शेप देते हैं यानी लंबाई में, और उसके बाद ये जो हमारी फिंगर्स है ना इसको दबाइए और इसमें इस तरह से उंगलियों के इंप्रेशन दे दें, इसको कहते हैं मुठिया। तो सभी मुठिया हम बिल्कुल इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे। एक छोटा हिस्सा तोड़िए नींबू के बराबर का, बराबर कीजिए और इस तरह दबाइए और उंगली के इंप्रेशन दीजिए बिल्कुल इस तरह, ये देखिए परफेक्ट। तो सारी मुठिया हम बिल्कुल इसी तरह से आटे की तैयार कर लेंगे और ये लीजिए मैंने सारी ही मुठिया आटे की तैयार कर ली है, बिल्कुल इस प्रकार बनानी है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं बनानी है, बिल्कुल इस तरह बनाएं और बस इस तरह से बना करके इनको हम करेंगे फ्राई। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें डालें ऑयल और ऑयल को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हल्का गर्म कर लेंगे, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। और तेल के हल्के गर्म होते ही हम लो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे करके इस तरह से मुठिया को फ्राइंग के लिए डाल देंगे, एक साथ ज्यादा ना भरें, जितनी स्पेस हो कढ़ाई में उसी हिसाब से डालें और धीमी आंच पर इसको फ्राई होने देंगे, जिससे ये अंदर तक जो इसकी लेयर्स है वो बिल्कुल खस्ता सिकेंगी। अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जब ये धीरे धीरे करके हल्की होकर ऊपर आने लगेंगी तब इन्हें हम फ्लिप करेंगे। जैसे अभी आपने देखा ना मैंने डाला, लेकिन ये एकदम से ऊपर नहीं आ रही है, नीचे ही है, हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, बस इतना गर्म तेल होना चाहिए और हल्का सिक जाने पर इसको 1-2 बार चम्मच से इस तरह से चला दीजिए। और ये देखिए अभी हमारी जो मुठियां हैं वो अभी हल्की गोल्डन हुई हैं, थोड़ा सा अभी इसमें और बढ़िया गोल्डन कलर आने देंगे, बिल्कुल कम आंच पर ही आप इसे फ्राई करें जिससे अंदर तक ये बढ़िया सिके, तभी तो लड्डू में बढ़िया टेस्ट आएगा। और ये लीजिए मुठियां बहुत ही बढ़िया अंदर तक एकदम गोल्डन सिक गई हैं, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। तो लगभग इतना सेकने में मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं। इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और मुठिया को निकाल लेंगे, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, एकदम खस्ता करारी हमारी मुठिया फ्राई हुई हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मुठिया अंदर तक एकदम क्रिस्पी और गोल्डन सिकी हैं। तो अभी मुठिया को इसी तरह से हल्का ठंडा होने देंगे, जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी ना आगे का प्रोसेस उसके बाद करेंगे। और ये लीजिए हमारी मुठिया भी ठंडी हो गई है, तो बस इस स्टेज पर आप इस तरह से हाथ से मुठिया को तोड़ लें, ये देखिए एकदम खस्ता बढ़िया पकी हुई, तो छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से क्रश करके और ग्राइंडिंग जार में सारे मुठिया के पीसेस को डालकर इसका एक दरदरा सा
पाउडर तैयार करेंगे, यानी दानेदार चूरमा तैयार करेंगे। और ये लीजिए, मैंने चूरमा का बहुत ही दानेदार इस तरह पाउडर तैयार कर लिया है। देखिए कितना मस्त बना है, कलर से ही आप समझ सकते हैं कि बेहतरीन चूरमा लड्डू तैयार होंगे। और इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया है एक बड़े बोल में, एकदम बढ़िया चूरमा तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, पिस्ता मैंने बारीक कट कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने चॉइस के अनुसार कम ज्यादा बगैर ड्राई फ्रूट के वैसे भी बना सकते हैं। थोड़ी सी डाल रही हूँ किशमिश, ट्रेडिशनली जो चूरमा लड्डू में चीजें पड़ती है मैं वैसे बता रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा, यानी खोपरे का बूरा, या आपके पास अगर सूखा वाला नारियल हो तो उसे कद्दूकस करके डाल लीजिए। और 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ खसखस यानी पॉपी सीड, 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ नटमेग यानी जायफल। बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। तो लीजिए, हमारा चूरमा लड्डू के लिए मिक्स तो हो गया है रेडी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। आज ये लड्डू हम बिल्कुल बिना चीनी के बना रहे हैं, यानी हम गुड़ से बनाएंगे, बिल्कुल शुद्ध, स्वादिष्ट और हेल्दी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप गैस पर चढ़ाइए एक पैन या कढ़ाई, और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। मीडियम फ्लेम पर घी को पूरी तरह से पिघलने देंगे। घी के मेल्ट होते ही फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप गुड़ यानी जैगरी। जिस मेजरमेंट से आपने आटा लिया था उसी कटोरी कप से आप गुड़ ले लीजिए, और गुड़ को थोड़ा सा कद्दूकस से क्रश कर ले या चाकू से बारीक बारीक काट ले तो आसान होगा इसका मेल्ट होना। आप अगर थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद करते हो तो 1.25 कप 1.5 कप तक भी ले सकते हैं। और गुड़ डालकर घी के साथ करेंगे मिक्स, और इसको पूरी तरह से पिघलने देंगे। ना तो हमें कोई चाशनी बनानी है, ना ही ओवर कुक करना है, बस इतना भर कि गुड़ पिघल जाए यानी मेल्ट हो जाए। और ये देखिए, पूरा गुड़ बढ़िया से पिघल गया है यानी मेल्ट हो गया है, और घी जो है हल्का हल्का ऊपर तैर रहा है। बस इस स्टेज तक हमें गुड़ को पकाना है, इससे ज्यादा बिल्कुल ओवर कुक नहीं करेंगे, गैस को करेंगे बंद। तुरंत ही हम पिघले हुए गुड़ को इसमें डाल देंगे, और बढ़िया से चूरमा को गुड़ के साथ करेंगे मिक्स। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे लड्डू बन रहे हैं, परफेक्ट। तो अब आपकी यहाँ पर चॉइस है, चाहे तो आप इसे लड्डू की शेप दे लें, आपके पास मोदक मोल्ड हो तो आप मोदक मोल्ड में बना लीजिए। जो लड्डू वाला साचा आता है ये मैंने ले लिया है, और इसको हल्का सा आप घी लगाकर ग्रीस कर लें, और गर्म में ही फटाफट फटाफट हम अपने लड्डू मोदक तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा इसको प्रेस नहीं करेंगे, और बस इस तरह से हल्का सा प्रेस करके आप इसको निकाल लें। ये देखिए, परफेक्ट हमारे चूरमा मोदक लड्डू हैं तैयार। तो सभी को मैं बिल्कुल इसी तरह से गर्म में ही बना लूंगी, और इसको मैं यहाँ थोड़ा सा सजा रही हूँ खसखस से। देखिए कितना सुंदर हमारा चूरमा मोदक लड्डू तैयार हुआ है। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे गणेश चतुर्थी स्पेशल गणपति जी के लिए बहुत बहुत टेस्टी हेल्दी चूरमा लड्डू मोदक। इसे देख के कोई बोल सकता है कि आपने इतने आसान तरीके से और इतने हेल्दी और टेस्टी तरीके से घर में ये चूरमा मोदक लड्डू तैयार किए हैं? और ऐसा मत सोचिएगा कि शायद ये बिखर रहे होंगे, मैं हाथ से भी आपको उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट, जब आप बना लें कुछ देर इसी तरह आप सेट होने दें, हवा लगकर ये बिल्कुल सेट हो जाते हैं। जो इसका एक बाइट खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएगा। बेस्ट चूरमा लड्डू बनेंगे आपके इस रेसिपी से, जरूर ट्राई कीजिएगा। गणपति जी को जरूर सर्व कीजिए, वो तो खुश होंगे ही, आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनका टेस्ट ही इतना लाजवाब है। और बनाना आपने देखा कितना आसान है, एकदम परफेक्ट और सिंपल से इंग्रेडिएंट से हमारे चूरमा मोदक तैयार हो गए। इस तरह से आप गणेश चतुर्थी पर ये चूरमा मोदक तो जरूर बनाएं, और इस तरह बना करके आप इन्हें लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये 1 महीने भी खराब नहीं होंगे। एक एयरटाइट बॉक्स में रख दीजिए, जरूर बनाइए, और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताइए आपको आज की मेरी ये स्पेशल चूरमा मोदक लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी क्रिएटिविटी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी रेसिपीज की रिटन डिटेल आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।